अस्सलाम वालेकुम और फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई एम डॉक्टर तैयबा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ओनली फीमेल्स के लिए है और आपकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही मेडिसिन उसको सॉल्व कर देगी। जो जो वीडियो का पर्पस है ये एजुकेशन का पर्पस है। अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, अपने कोई भी मेडिकेशन लें, अपने डॉक्टर से पूछ के दें। और साथ यही है कि जो भी हमारी सिम्टम्स होती हैं उनका पैथोलॉजिकल चेंजेस के बाद वो आती हैं और अपनी सिम्टम्स के मुताबिक पैथोलॉजिकल चेंजेस का ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं, अपनी डाइट का ध्यान रखें। और साथ साथ ये है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जो ये वीडियो है फीमेल्स के लिए है, ऐसी फीमेल्स जिनके फेशियल हेयर हिर्सुटिज्म होते हैं, फेस पे बाल होते हैं और जिनको ओवरी सिस्ट होती हैं, पीसीएस हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो और इनफर्टिलिटी की तरफ हो, यानी कि जो उनका ओवम है वो वीक हो या उसमें किसी किस्म की कोई वीकनेस का शिकार हो या सही तरीके से उनका जो ओवम है वो सही तरीके से ना बनता हो, इनफर्टिलिटी का शिकार हो, हार्मोन उनके इम्बैलेंस हो, हार्मोन की वजह से उनकी बहुत सी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गई हों। और साथ यही है, ये मेडिसन उन मेल फीमेल्स के लिए भी है जो मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, जिनके पीरियड्स में अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। चलिए मेडिसिन का आपको नाम बताती हूँ एज यूजुअल। अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विजिट कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको भी कोई प्रॉब्लम है हेयर के बारे में, स्किन के बारे में, हेल्थ इशू के बारे में, जाएं कमेंट्स करें, नेक्स्ट वीडियोस में बना दी जाएगी, ठीक है। वो एक ही मेडिसिन है, वो है जी ओफोरोनियम। ओफोरोनियम जो मेडिसिन है वो आपने 3x टैबलेट्स फॉर्म में लेनी है। और आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने 3 टैबलेट्स को दिन में 3 टाइम यूज़ करना है। अगर आप कोई भी सासा ट्रीटमेंट कर रहे हो, गायनी से कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, होम्योपैथिक का, हर्बल का, उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। होम्योपैथिक में इनफर्टिलिटी के लिए, हिर्सुटिज्म के लिए और हार्मोन इम्बैलेंस के लिए और बहुत सी मेडिसन हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी मेडिसन है जिसको आप एक्स्ट्रा तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आप देखें, अगर आप इसको टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस हैं वो सही होंगे, आपके जो हिर्सुटिज्म हैं उनमें फ़र्क आएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए ये वेल एंड गुड मेडिसन है। फिर आप इसको एक्सटेंड करके 3-4 मंथ्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम होती हैं, अगर आपके पीसीओएस हैं, पीसीओडी हैं, आपका हिर्सुटिज्म होगा, फेशियल हेयर होगा, इनफर्टिलिटी की तरफ जाएंगे, हार्मोन अप्स एंड डाउन होंगे, डिसमेनोरिया का शिकार हो सकते हैं, सम लेडीज़ में एमेनोरिया का भी, अमेनोरिया का भी शिकार हो जाती हैं। और यही है, अपनी डाइट को बैलेंस रखें। जब तक आपकी डाइट सही नहीं होगी, आप जो सी मर्जी मेडिकेशन ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी डाइट को बैलेंस रखें, अपनी डाइट में जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, उसका इस्तेमाल करें, विटामिन ई का इस्तेमाल करें और साथ देसी घी का इस्तेमाल किया करें, जितनी भी जंक फूड हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। और आप अगर चाहते हो कि गुड एंड आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो आप जो है वाइट शुगर से अवॉइड करें और इसकी जगह पे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। और जो आपका एडिमा है, अगर आपने स्वेलिंग आ जाती है तो उसके लिए ये है कि आप रोग साल का इस्तेमाल करें। ये जो सिर्फ एक ही मेडिसन है और आपके का ओवरऑल सोल्यूशन को सही कर देगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।